टू माई चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। मैं हूँ नम्रता और आप देख रहे हैं जीज वर्ल्ड। सो आज आपके लिए मैंने लेकर आई हूँ एक बजट फ्रेंडली सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र, ताकि आप आराम से यूज़ कर सको और वो आपके बजट में भी हो। तो आपके लिए है ये एक्वा सॉफ्ट एफ सी विथ सन प्रोटेक्शन। ये एक मॉइस्चराइज़र है विथ सनस्क्रीन है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑनेस्ट रिव्यू, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू, ताकि आप आराम से मेरे जो भी रिव्यू है उसे देखकर सोच विचार कर अपना प्रोडक्ट्स ख़रीद सके। वरना क्या होता है ना कि आप सामान ले लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद लेते हो, फिर बाद में बोलते ओहो पैसा तो बर्बाद ही हो गया। तो आप ना बर्बाद करें, इससे पहले मैं ही बर्बाद कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ ये रिव्यू शेयर करती हूँ। सो ये है एक्वा सॉफ्ट एफ सी सन प्रोटेक्शन। ये ना डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड है। तो अगर आपका एक्ने वगैरह है फेस में और बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो आप ये आराम से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड ही है। इसमें है फेशियल क्रीम। ये बहुत ही आपके फेस को ना बहुत ही अच्छे से हाइड्रेशन देता है, मॉइस्चराइज करता है आपके फेस को, और आपके फेस में ना एक स्मूथ सा बेबी सॉफ्ट टाइप स्किन कर देता है, एक ग्लो इन अ ग्लो लाता है, ब्राइटनिंग करता है आपके स्किन में। ये इसमें है विटामिन ई। पीएच फ्रेंडली है, मैंने स्किन के लिए पीएच लेवल इसका मेंटेन रहता है। पैराबेन फ्री है ये। और यहाँ पर जो लिखा है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये सन प्रोटेक्शन है इसमें, बट इसमें ना कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि एसपीएफ कितना है, एसपीएफ इतना है, या कुछ भी ऐसा नहीं किया हुआ है। इसमें है यूवीनल ए प्लस, यूवीनल टी 150, टीनोजो एस। ये तीनों जो है ये आपके यूवी ए और यूवी बी से प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। ये जो है एक्वा सॉफ्ट, ये बहुत ही आराम से आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है और आपकी स्किन को मैक्सिमम मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। ये आपके स्किन को सॉफ्ट वेलवेटी फीलिंग देता है। लगाने के बाद ना आपको ऐसे फीलिंग आएगा जब आप अपने फेस को टच करोगे, जैसे बेबी सॉफ्ट स्किन होता है ना, सेम वैसा ये हो गया। और ये इसमें ये मेंशन किया हुआ है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये नहीं बताया है कि आपको कितना प्रोटेक्शन ये देगा। इसमें जो मुझे लगा कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये भी माइनस पॉइंट शेयर करना चाहिए, ये ना क्रीम फॉर्मूला है, तो जब आप लगाते हो ना थोड़ा देर बाद हल्का सा ना आपके फेस में एक ऑयलीनेस फील होगा। कहीं लिखा नहीं है यहाँ पर कि ये मैट है, बट ये फील करेंगे आप जब भी आप इसे लगाते हो। ये पूरा जेल फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ ये फेशियल क्रीम है। क्रीम कभी भी मैट या जेल नहीं होता है। क्रीम थोड़ा सा ऑयलीनेस प्रोवाइड करता है, स्किन में हाइड्रेशन और स्मूथनेस जो है थोड़ा सा अपग्रेड कर देता है, जो आपका जल ड्राई और बहुत ही ज़्यादा अनइवन स्किन होगा वो इसे क्योर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये एक्स्ट्रा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है। तो ये आप आराम से यूज़ कर सकते हो। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ लास्ट वन एंड हाफ मंथ से सनस्क्रीन। जैसे मैं जब घर पे हूँ तो मुझे घर पे रहने से बहुत ज़्यादा एसपीएफ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो मैं इसे अब यूज़ करती हूँ फेस वॉश और टोनर के बाद। बस ये लगाने से मेरा काम हो जाता है। तो आपको इसका फॉर्मूला दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हो ये वाइट कलर का है और ये मेरे स्किन में तब तक मसाज करना है जब तक ये अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा ना ऑयलीनेस लगेगा आपको, क्योंकि ये क्रीम बेस्ड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़े और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं। और नोटिफिकेशन बेल बजाना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल बजाओगे ना, तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगी मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया है, और वो आप आराम से देख सकोगे। और लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मेरा जो मेहनत है वो
रंग ला रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।